सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर बैठे ही प्लास्टिक के आधार कार्ड यानी कि पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। वो भी आपको सिर्फ 50 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये प्रोसेस अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। तो कैसे आपको ऑनलाइन पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना है, जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पे आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको ब्राउज़र वाले सर्च वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है UIDAI। यहाँ पर आप UIDAI टाइप करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो वेबसाइट सबसे पहले आ रही है, इस वेबसाइट पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन मिल जाता है गेट आधार का। तो इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पर नीचे की ओर मिल जाएगा गाइज, यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, इस ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करते ही गाइज यहाँ पर आपको ऐसा पॉपअप शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, इस ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पर जैसे आप टैप करेंगे गाइज यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप दो तरीके से पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। एक तरीका है आधार नंबर से और दूसरा तरीका है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आईडी से। तो यहाँ पर हम आधार नंबर चूज़ करेंगे और यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर आधार नंबर मांग रहा है हमें, तो यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा फिल करना होगा। जो कैप्चा यहाँ पर आपको दिख रहा है उसी को सेम यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि अगर आपके मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं किया गया है तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप इस पर अनटिक करेंगे। तो हमारे आधार कार्ड से हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। आप यहाँ पर कोई सा भी मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं जो आपके पास हो। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, तो आपने जो फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया है उस फ़ोन नंबर पर एक OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद गाइज यहाँ पर आपको OTP टाइप कर देना है। गाइज जैसे ही आप यहाँ पर OTP टाइप करेंगे, OTP टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है टर्म्स एंड कंडीशन की, तो इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको सबमिट का बटन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको एक ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आपको पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर 50 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक राइट का टिक करना होगा। तो इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर राइट का टिक आ चुका है। अब यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप यहाँ से बैक जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आप अपना पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। हमने यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं पेमेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप पेटीएम वॉलेट से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं पेटीएम वॉलेट, तो यहाँ पर हम पेटीएम वॉलेट वाला ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP सेंड किया गया है, तो हमारे पास OTP आ चुका है, यहाँ पर हम OTP को फिल कर देंगे। OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे गाइज यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप अपने
पेटीएम वॉलेट से भी कटवा सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेटीएम वॉलेट का यूज़ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पेटीएम वॉलेट का यूज़ किया है और यहाँ पर हम पे पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुकी है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चे को यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। जैसे ही आप कैप्चा फिल कर देंगे, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, इस पर आपको टैप कर देना है तो आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम यहाँ पर ओपन करेंगे। पीडीएफ फाइल में ये ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट हमें यहाँ पर मिल चुका है। गाइज, यहाँ पर आपका पीवीसी आधार कार्ड आने में 10 से 15 दिन या फिर एक महीना लग सकता है, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाय पोस्ट आपके घर ये पहुँच जाएगा। सो गाइज, आई होप यार वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन से प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको ऐसी ही कॉन्टेंट्स मिलने वाली है।